तो जी हाँ दोस्तों, रियलमी ने तो कमाल कर दिया। रियलमी 3 और 3 आई में अपडेट पे अपडेट अपडेट पे अपडेट दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट जो आपने थंबनेल पे देखा, ये अपडेट C.09 वाला अपडेट है और C.08 वाला अपडेट नहीं मिला है, तो उसको स्किप करके। तो ये अपडेट उन्हीं लोग के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ, याद रहे, जिन लोगों को C.07 वाला अपडेट मिल चुका है। तो आप लोग का सवाल आता होगा कि क्या ये स्टेबल अपडेट है, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे और क्या इसकी साइज होने वाली है और अपडेट में क्या फीचर्स है, क्या नहीं, कैसे करना है, बिल्कुल लाइव प्रूफ करके हम दिखाएंगे। ये वीडियो फेक नहीं है और हम फेक वीडियो बनाते भी नहीं है, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। पहले वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए। हेलो, तो लेटेस्ट जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है साकिब। आगे बढ़ने से पहले भी छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज के लिए। दोस्तों, रियलमी 3 और 3i काफी पॉपुलर बजट डिवाइस है, मैं भी यूज करता हूँ रियलमी 3 डिवाइस, और आज के इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास रियलमी 3 डिवाइस है और आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सा कलर है, और आपको और दिखाने के लिए और भरोसा के लिए हम जाते हैं सेटिंग में, क्योंकि आपको जल्दी भरोसा नहीं होता है, आप कहते हो फेक वीडियो है। तो यहाँ पे हम आने बाद अबाउट फोन में ले जाते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि मेरे पास ये कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ अबाउट फोन में जाते हैं, भाई चल जा, और यहाँ पे देखिए कि डिवाइस नेम आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, रियलमी 3 एंड्रॉयड 10 वर्जन 3GB रैम वाला। और वापस से हम आते हैं यहाँ पर वापस और जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है कि अपडेट वर्जन, यहाँ पे भाई फोकस हो जाए, तो देखिए C.09 वाला अपडेट है जो साइज़ की 213 MB है, काफ़ी छोटा साइज़ है। और हम यहाँ पे लर्न मोड में यहाँ जाते हैं अगर देखने के लिए कि क्या है या नहीं है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम आपको दिखाएं, तो इसमें काफ़ी जो भी जितनी भी फीचर्स है वो सब रियलमी UI वाला फीचर्स दिया हुआ है, लंबा सा है, कोई बग फिक्स या कोई इशू वाला नहीं दिया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो भी अपडेट है ये स्टेबल आपका अपडेट हो सकता है। और यहाँ पे आपको करके डाउनलोड लगा देना है, ध्यान रहे कि बैटरी आपकी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया, 213 MB है, जल्दी से ही हो जाएगा। और इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इसमें कोई बग वग इशू लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को आकर फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार ये आ चुका है तो कोई ये बीटा टेस्टर को लिए कोई ऐसा नहीं कि सभी को मिला है। फिलहाल हम लोग बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टेबल तो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो बग मिलेगा क्योंकि बीटा ही में है। तो बीटा वाले को अपना है कि भाई सब चीज़ कीजिए और बताते रहिए। तो ये अपडेट है, अपडेट करने के बाद आपको बस इसमें देखना है कि कौन कौन सा चीज़ फिक्स हुआ नहीं है और क्या क्या आपको दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और इसके बाद आराम से आप लोगों को भी स्टेबल अपडेट अब मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि देखिए मंथ लास्ट होने वाला है और अप्रैल के आपको मई के जो आने वाला है, सॉरी मई वाला जो मंथ है उसमें आपको आराम से स्टेबल अपडेट मिल जाएगा। तो यही था अपडेट, फिलहाल ये चेक करके हम बताएंगे कि क्या इसमें कोई बग वग है कि नहीं, आप बताइए कोई बग वग इशू हो रही कि नहीं हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यही था अपडेट रियलमी की तरफ से, रियलमी 3 और 3i में अपडेट। तो दोस्तों ये मुझे अभी टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि ये स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है। फिलहाल इसकी कोई फीचर्स नहीं मिली, लंबा सा पूरा रियलमी UI का फीचर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेबल हो सकता है। फिलहाल यूज़ करके देखते हैं कोई इशू आ रही कि नहीं आ रही। फिलहाल आप भी कमेंट में करके बताइए कोई तरह का इशू बग है कि नहीं है। कुछ ना कुछ तो बग रहता है, पर C.04 से लेकर 09 तक अपडेट आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद अब अपडेट ये स्टेबल हो गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊं कि ये अपडेट है, कितना साइज है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब हमने बताया। इसके बावजूद अगर भी इसके बाद भी आप लोग कहेंगे फेक वीडियो है, तो मुझे इस बात की तकलीफ होगी दोस्त, क्योंकि मैं बिल्कुल हर वीडियो में प्रूफ देकर बताता हूँ। मुझे फेक वीडियो बनाना होता दोस्तों, तो मैं कितनी फेक वीडियो बना देता, पर मुझे फेक नहीं बनाना होता है, मैं बिल्कुल प्रूफ देखता हूँ, चाहे वो मैं अपने तरफ से करूँ या मेरे कोई सब्सक्राइबर मुझे वीडियोज भेज कर दे, जिस तरह से हो मैं उस तरह से करके आपको बता देता हूँ, जिससे आपको अपडेट पता चल सके किस तरह से अपडेट करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। और वो जो मैं ट्रिक बताया था पिछली वीडियो में, उसके ट्रिक से भी बहुत सारे लोगों ने 3-4 लोगों तो मतलब मैसेज आया मेरे पास, उन लोगों को कर ही लिया है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे ट्रिक या मेरा जो वीडियोस फेक नहीं होता है। और इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छा से। इसके बावजूद भी कोई तरह का सवाल है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए, वीडियो के जोर से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जितने भी रियलमी 3 और 3i डिवाइस यूज करते हैं, जो भी फैन है रियलमी के, उनको शेयर कर दीजिए, जिससे पता चल पाए कि भाई रियलमी UI का जो C.09 वाला अपडेट है वो स्टेबल हो गया है। इस तरह से मुझे उनको समझ में आ जाएगा और आपको मतलब
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस के लिए। और दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए, दूरी बना के रखिए, हैंड को वॉश करते रहिए। बोर होते तो इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट भेजकर मुझे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह हमें अवेलेबल है, तो सर्च कीजिए, आइए, मस्ती करते हैं, बात करते हैं। और दोस्तों बस दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।